ओकलेसनर वर्सेस मुस्तफा अली के बीच कौन जीतेगा, कौन है बेहतर और कौन है तगड़ा, तो इस वीडियो का एंड तक देखिए। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं रेसलिंग मसाला। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पहले आपको चीज बताना, वीडियो को नीचे सब्सक्राइब बटन दिखा और क्लिक करके सब्सक्राइब कर दिए, बगल में बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, मेरी कोई भी वीडियो मिस मत करिए। ब्रॉक लेसनर वर्सेस मुस्तफा अली के बीच कौन जीतेगा, कौन है बेहतर और कौन है तगड़ा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रॉक लेसनर का असली नाम है ब्रॉक एडवर्ड लेसनर। बात कर जाए ब्रॉक लेसनर की हाइट की, तो वो है 6 फीट 3 इंच, अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो वो है 191 सेंटीमीटर। और बात कर जाए ब्रॉक लेसनर के वजन की, तो वो है 285 पाउंड्स, अगर इसे किलोज में कन्वर्ट किया जाए तो वो निकल कर आता है 130 किलो। तो फ्रेंड चलिए बात कर लेते हैं, ब्रॉक लेसनर रेसलिंग जगत में डेब्यू किया कब किया था, तो उन्होंने किया था 2000 में। तो चलिए बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के अचीवमेंट्स की। फ्रेंड्स, ब्रॉक लेसनर 5 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और 2003 का रॉयल रंबल विनर रह चुके हैं, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के विनर रह चुके हैं 3 बार, मनी इन द बैंक विनर रह चुके हैं 2019 का। और ब्रॉक लेसनर ऐसे पहले रेसलर है जिन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी है रेसलमेनिया की, जो कि कोई रेसलर तोड़ नहीं पाया था, ब्रॉक ने से पहले रेसलर है। तो चलिए बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर किन किन सुपरस्टार को हराया है। तो ब्रॉक लेसनर ने हराया है अंडरटेकर, ट्रिपल एच, शॉन माइकल, रोमन रे, जॉन सिना, केन, मार्क हेनरी, बिग शो, रेंडी ओटन जैसे कई बड़े सुपरस्टार को हरा चुके हैं ब्रॉक लेसनर। तो ये थे कुछ ब्रॉक लेसनर के अचीवमेंट। तो चलिए बात कर लेते हैं मुस्तफ़ा अली के अचीवमेंट्स की। तो मुस्तफ़ा अली का असली नाम है आदिल आलम, और बात कर जाए मुस्तफ़ा अली की हाइट की, तो वो है 5 फीट 10 इंच, अगर इसे सेंटीमीटर कन्वर्ट किया जाए तो वो निकल कर आता है 178 सेंटीमीटर। तो चलिए बात कर लेते हैं मुस्तफ़ा अली के वज़न की, तो वो है 182 पाउंड्स, अगर इसे किलोज़ में कन्वर्ट किया जाए तो वो है 83 किलोज। तो चलिए बात कर लेते हैं मुस्तफ़ा अली ने रेसलिंग जगत में डेब्यू कब किया था, तो उन्होंने किया था 2 फरवरी 2003 में। तो चलिए बात कर लेते हैं मुस्तफ़ा अली के अचीवमेंट्स की जो कि उन्होंने हासिल किया WWE से। मुस्तफ़ा अली ऐसे पहले रेसलर जो कि पाकिस्तान से है WWE में। मुस्तफ़ा अली क्रूज़रवेट चैंपियन रह चुके हैं। मुस्तफ़ा अली पहले टू ऑफ लाइव का हिस्सा करते थे। मुस्तफ़ा अली पहले टू ऑफ लाइव का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 2018 में वो स्मैकडाउन लाइव में आए। मुस्तफ़ा अली ने पिन किया हुआ है डैनियल ब्रायन को, जब भी वो WWE चैंपियन थे, और WWE चैंपियन को पिन करना काफ़ी बड़ी बात होती है। और मुस्तफ़ा अली ने हराया हुआ है किन किन सुपरस्टार को, मैं आपको बता दूँ, तो उन्होंने हराया हुआ है TJ परकिंग्स, आर्या तिवारी, चैक गैलाहर, सेट्रिक अलेक्जेंडर, बडी मर्फी, आंद्रेज़ जैसे कई सुपरस्टार्स को उन्होंने हराया, और उम्मीद है आगे और भी सुपरस्टार को वो हराएंगे। ये थे कुछ मुस्तफ़ा अली के अचीवमेंट्स। तो चलिए बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस मुस्तफ़ा अली के बीच कौन जीतेगा, कौन है बेहतर और कौन है तगड़ा। तो ब्रॉक लेसनर अपने जगह पर सही है और मुस्तफ़ा अली अपने जगह पर सही है, और लेकिन बात कर जाए इनमें से कौन जीतेगा और कौन है बेहतर और कौन है तगड़ा, तो हम सबको पता है कि ब्रॉक लेसनर कितने बड़े सुपरस्टार है, वो अली को हरा देंगे। और आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि ब्रॉक लेसनर जीतेगा या फिर मुस्तफ़ा अली। तो बस आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को नीचे लाइक करना, तो कहीं मत जाना, साथ ही साथ कमेंट करके आप लोग हमें बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, मेरी कोई भी वीडियो मिस मत करिए। और मुझे कोई भी टॉपिक बताना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तब तक के लिए इतना, गुड बाय, टेक केयर।